वेलकम, लेट्स एक्सप्लोर डेटा लिटल मोर। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें मिल रही हैं। हमने देखा कि जीडीपी बढ़ा लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ कंट्रीज की नहीं बढ़ी। थोड़ा सा और देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि मीन मीडियन में क्या मसला होता है और उसको कैसे डिग आउट किया जा सकता है थ्रू डेटा विजुअलाइजेशन। तो आप देखिए, तो हमने इसमें आज पांच ग्राफ्स की बात की थी। स्कैटर प्लॉट्स हमने देखा, अभी नॉन लीनियर रिलेशनशिप था जीडीपी में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। लॉग लेने से शायद वो लीनियर हो जाता है। बॉक्स प्लॉट हमने कहा जी, फाइव नंबर समरी स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, आउटलायर्स को इंडिकेट करता है। आज हम हिस्टोग्राम देखने जा रहे हैं और लाइन ग्राफ देखने जा रहे हैं और साथ समरी स्टेटिस्टिक्स मीन वर्सेस मीडियन देखने जा रहे हैं। क्यों मीन जो है वो नीचे की तरफ ड्राइव हो गया एज कम्पेयर टू मीडियन फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लेट्स गो टू आर, वही जो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी DPLYR, एंटर लाइब्रेरी गैप माइंडर, एंटर लाइब्रेरी ggplot2, आई एम अपलोडिंग अनदर लाइब्रेरी दैट इज स्कीम आर। तो अब आपको सबको पता चल चुका है कि हमने वर्ब्स यूज किए हैं डीप लायर के, तो गैप माइंडर 2007, डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से हम दो वेरिएबल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी डीप लायर का एक वर्ब है। तो हम यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड कॉन्टिनेंट, और इसके बाद इस डेटा को हम समराइज कर रहे हैं स्कीम, दैट्स इट, ओके फाइन। तो देखिए, पांच कॉन्टिनेंट्स का डेटा है, पांच 142 कंट्रीज हैं, 142 के 142 यूनिक हैं। जो पांच कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका के 52 कंट्रीज, एशिया 33, यूरोप 30, अमेरिका 25 और ओशनिया उसने दो कंट्रीज नहीं दिए। ऑर्डर उसने फॉल्स दिया क्योंकि कॉन्टिनेंट्स का कोई ऑर्डर है नहीं है, ये नॉमिनल स्केल है। मीन आपके पास 67.01 आ गया, मीडियन आपके पास जो है वो 71.94 आ गया। और ये देखिए, ये हिस्टोग्राम भी यहां पे आपको मिल रही है, तो इस हिस्टोग्राम से भी लग रहा है कि मीन जो ये जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है। लेकिन अभी हम देख भी लेते हैं, तो अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं थोड़ा सा जहां पे कॉपी किया हुआ था वहां से पेस्ट कर लेते हैं। उससे ये होगा कि हमारा जो है वो ये टाइम बच जाएगा और हम ज्यादा देर में डिस्कशन को जो है वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने वही ggplot2 डेटा मेरा यहां पे, मैं लिख यहां पे डेटा इक्वल टू गैप माइंडर भी लिख दूं तो कोई बात नहीं है। यहां पे मैंने एस्थेटिक में सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि मैं आज हिस्टोग्राम बनाने जा रहा हूं, ज्योम हिस्टोग्राम। पहले हमने यहां पे ज्योम पॉइंट किया था, स्कैटर प्लॉट आया था, ज्योम बॉक्स प्लॉट किया था, बॉक्स प्लॉट आया था, बिन विड्थ यानी कि क्लास इंटरवल्स के दरमियान आप कितना गैप रखना चाहते हैं। तो हम 5 ईयर का गैप रखना चाहते हैं और जो आपका वो जो हिस्टोग्राम जो बार है उसका कलर, साइड कलर क्या रखना चाहते हैं, वो हमने व्हाइट रखा। लेबल हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर्स, नंबर ऑफ कंट्रीज, टाइटल दे दिया, कैप्शन दे दिया और दो रोज में हमने अपने डेटा को रीड करवा लिया। तो लुक एट दिस, ये आपके पास एक, बल्कि इससे भी पहले जो एक चीज देख लेते हैं वो दैट्स इंटरेस्ट, इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये आप देखिए, तो यहां से आपके पास जो हिस्टोग्राम है 5 ईयर इंटरवल में, तो इट सीम्स लेफ्ट सिक्योर्ड। तो मीन यहां पे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी जिसकी वजह से उन्होंने ओवरऑल मीन को नीचे की तरफ ड्राइव किया। तो मीडियन 71 और मीन जो है वो 67 समथिंग है। अब हम देखते हैं कि इसी चीज को हम फेसेट की कमांड थी, तो हम फेसेट की कमांड में वापस जाके देखते हैं कि अगर मैं उस चीज को ऐड कर दूं, तो ये देखिए फेसेट रैप की कमांड हमने देखी थी, तो बहुत ही यूजफुल है। अब हमने कॉन्टिनेंट वाइज इस ग्राफ को देख लिया, तो यहां पे हम देखते हैं अफ्रीका में बहुत लार्ज वेरिएशन है, एशिया में भी लार्ज वेरिएशन है। वंस अगेन, बार बार मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ये कौन सा कंट्री है,
और देखिए अमेरिका में इन जनरल बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 60s और 80 के दरमियान है, ये ओशनिया तो कंट्रीज ही दो हैं, और इवन यूरोप में भी वेरिएशन ज्यादा नहीं है, मिनिमम 65-60 से लेके ऑनवर्ड अप टू 80 की तरफ है। तो ये अफ्रीका और एशिया में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इनमें से कुछ स्मॉल वैल्यूज मीन को नीचे की तरफ ड्राइव कर देती हैं। अब इससे नेक्स्ट में मैं जो चीज देखने जा रहा हूं वो ये है कि आपके पास जो है अगर आप इसका लाइन चार्ट देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं। तो यहां पे मैं फिर अगेन सॉरी मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं रादर देन राइटिंग द कमांड। तो बांग्लादेश इज एन इंटरेस्टिंग वन फॉर साउथ एशिया, अमंग साउथ एशिया। तो आप देखिए तो ये मैंने लाइन डी एफ, मैंने कहा लाइन डेटा फ्रेम मेरा दे दो गैप माइंडर, मैंने यहां पे ये पाइप ऑपरेटर लगाया, फिल्टर कर दिया कंट्री बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का मैं अब मैं देखना चाह रहा हूं 1952 ऑनवर्ड मेरे पास जो है वो कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है। तो यहां पे जो बात आ रही है वो लाइन की बात आ रही है। तो आई एम कॉपिंग हियर अ लाइन, आप डिफरेंट कलर्स इसमें चूज कर सकते हैं और मैं इस डेटा को लाइन में स्टोर कर रहा हूं। तो आप देखिए तो ये लाइन में मैंने जब स्टोर किया इसको मैंने ये देखिए ggplot2 लाइन डेटा, ये डेटा है। अब डेटा का मैंने नया नेम दे दिया लाइन डेटा फ्रेम। तो एस्थेटिक एक्स में ईयर्स दे दिए, वाई में लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे दिया, जियॉम लाइन उसका कलर देना चाहें तो दे दें। साइज अभी मैं बताता हूं, अगर आप 0.5 कर देंगे तो बहुत थिन लाइन बनेगी, तो आप यहां पे 1 की बजाय 0.05.2 ये आप करके देख सकते हैं। तो जियॉम एच लाइन वगैरह आप इसको चाहे तो दे दें, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। आप देखिए ये लाइन डिस्प्ले नहीं हुई, जबकि पहले ऊपर वाले ये ग्राफ डिस्प्ले हो रहे थे। उसकी मेन रीजन जो है वो ये है कि हमने लाइन को एज इस ग्राफ को इन लाइन स्टोर कर दिया था। तो इसको आप लाइन अगर यहां पे टाइप कर देंगे तो ये आपके पास लाइन आ गई, और इसको जूम कीजिए तो यू विल फाइंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर। तो आपके पास 1952-40 से ऑनवर्ड 67 की तरफ जा रहा है, 64-65। बट एक कंट्री के कंपैरिजन से आपको पता नहीं चल रहा कि इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान उन्होंने कैसे प्ले किया है। तो इसके लिए मैं एक और डेटा थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूं, तो आप इसको मैं क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त जो है ना नेपाल भूटान वगैरह साउथ एशिया से माइनस कर दिया है, ताकि मैं जो है सिर्फ जो एशिया के साउथ एशिया के पॉपुलेशन के लिहाज से या अदरवाइज बड़े कंट्रीज कंसिडर होते हैं उनको देखूं। तो यहां पे देखिए मैंने साउथ एशिया वन डेटा जनरेट किया, लुक हियर आज मैंने साउथ एशिया ये साथ वन लगा दिया। तो आप पहले इससे ये नहीं लगाते थे गैप माइंडर, और यहां पे मैंने बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान कर दिया, मालदीव नेपाल भूटान मैंने रब कर दिया। तो ये मेरे पास पहले तो आ गया डेटा, कंट्रोल एंटर ये डेटा मेरा क्रिएट हो गया। देन मल्टीपल लाइंस में बनाना चाहता हूं, तो मैंने बताया कि जब भी हैश लगा देंगे तो वो कमेंट होगा, तो ये देखिए हैश वाली चीज नहीं रन होती, ये मल्टीपल लाइन मैंने इसमें स्टोर कर दी अपने ग्राफ को। क्या जीजी प्लॉट, ये क्या हो गया डेटा, एक्स इज ईयर वाई इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कलर मैंने कंट्री के लिहाज से दे दिया। और आप देखिए वहां पे इस जगह पे भी मैंने जियॉम लाइन किया था, इससे पिछले वाले ग्राफ में जब हमने हिस्टोग्राम देखी थी तो जियॉम हिस्टोग्राम जियॉम बॉक्स प्लॉट जियॉम। तो ज्योमेट्री आप कौन सी यूज करना चाहते हैं तो ये आपके पास जीजी प्लॉट टू की एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो जियॉम साइज मैंने 1 रखा, तो मैंने इसको रन कर दिया और इसमें फिर मैंने ये लेबल्स एड कर दिए टाइम और ये, तो ये मेरे पास जो है वो लाइन चार्ट रन हो गया। और ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल गए। ये देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, ये अभी भी अंडर 45 लाइफ एक्सपेक्टेंसी चल रही है, ये एशिया में बहुत बड़ी आउटलायर है। यानी कि उसने ठीक है सिविल वार भी स्टार्ट हुई, बट सिविल वार से पहले भी ये काफी लैग कर रहा था। लुक एट दिस बांग्लादेश, नो इफ यू कंपेयर बांग्लादेश विद पाकिस्तान एंड इंडिया, तो आप देखिए तो बांग्लादेश ने 80s के बाद से 90s के बाद से बहुत बहुत स्पीड शुरू कर दी है, बहुत स्पीड से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो रही है, और शायद
आज ये 2007 तक का डेटा है, शायद 2017 में वो इंडिया पाकिस्तान को थोड़ा सा क्रॉस कर चुका हो। पाकिस्तान 60s 70s 80s में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करता है और नो इट्स स्लोइंग डाउन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी जल्दी नहीं इंप्रूव होगी। श्रीलंका देखिए, डिस्पाइट सिविल वॉर, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसके अदरवाइज सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी पर 1000 जो है बहुत लो है, तो ये इंडिकेटर्स जो है अदरवाइज उसको बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ जीडीपी नहीं होता, ये इंडिकेटर्स भी मैटर कर सकते हैं। तो मेरा इस वक्त यहां पे हम डेटा को अंडरस्टैंड करने की बात कर रहे हैं, ना कि हम इसकी डायनेमिक्स के पीछे जो है वो इनके लिंकेजेस क्या हैं उसकी बात ज्यादा नहीं कर रहे। तो प्लीज रिपीट दीज एक्सरसाइजेस, डू दीज एक्सरसाइजेस एट योर ओन, और आप एंजॉय कीजिए। और यहां पे जैसे मैंने कहा कि 2000 यहां पे आपके पास 2007 में ये हुआ, तो आपके लिए क्विज ये है कि आप ये फाइंड आउट करें कि 1957 में मीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी और मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी। इसी तरह से आप कंपेयर कीजिए 1957 का डेटा विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी फॉर कॉन्टिनेंट्स और उनकी हिस्टोग्राम वगैरह बनाइए। टेक केयर।